गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन समझाऊंगी। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन में हमारा टॉपिक है 3, और टॉपिक नंबर 3 में आज आप सीखेंगे मे का यूज़ करना सीखेंगे। आप इसमें देख सकती हो टॉपिक नंबर 3 दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मे का यूज़ दिया गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसमें उसका आंसर आपको यस या नो में देना है, ओके। लेकिन क्वेश्चंस जो है उसका मतलब क्या होता है और कब हमें चाहिए होता है, मतलब कब पूछना होता है ना, कब बोलना होता है, ये हमें समझना है, ओके। अब आप इसमें देख सकते हो, इसमें वन क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है हमारा, मे आई कम इन। अब मे आई कम इन कब बोलते हैं, ये हम तब बोलते हैं जब हमें अंदर आने के लिए परमिशन चाहिए होती है। अगर आप क्लास के बाहर गए हैं, ओके, और अगर आपको क्लास के अंदर आना है तो आप किससे मांगेंगे परमिशन, मुझसे ही तो मांगेंगे ना, मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप यही तो बोलेंगे ना। तो उसी को हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करें, इस तरह बोलेंगे मे आई कम इन, आप यही तो बोलेंगे मे आई कम इन मैम। तो वहाँ पे आंसर मेरा क्या होगा, मैं आपको क्या बोलूँगी, यस यू मे, मतलब तुम, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। अगर मुझे अंदर नहीं बुलाना होगा आपको, तो पता है आपको मैं क्या बोलूँगी, नो यू मे नॉट, इसका मतलब होता है नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते, ओके। तो इस तरह आपको मे का यूज समझना है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मे आई टेक इट, क्या दिया हुआ है, मे आई टेक इट। अब इसका यूज़ हम कब करते हैं, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी की कोई चीज़ लेनी होती है। जैसे अगर आपको पेंसिल की ज़रूरत है, ओके, और सामने पेंसिल रखी हुई है, मतलब मेरे पास पेंसिल है या मम्मी के पास आपकी, जैसे कि कुछ भी टाई बेल्ट जो भी है रखी हुई है, अगर आप डायरेक्ट तो नहीं ले सकते ना, आप वो पूछेंगे ना पहले मम्मी से, है ना, मे आई टेक इट, आप ये तो पूछोगे मम्मा मे आई टेक इट, या आप मुझसे अगर पेंसिल चाहते हो, मुझसे लेना चाहते हो, तो आप क्या पूछेंगे, मैम मे आई टेक इट पेंसिल, या जो भी, मतलब मे आई टेक इट पेंसिल तो नहीं बोलेंगे, वहाँ पर कभी इट लगा हुआ है ना, मे आई टेक इट। तो वहाँ पर मैं क्या बोलूँगी, यस यू मे, अगर देनी होगी तो मैं बोलूँगी यस यू मे, अगर नहीं देनी होगी तो वहाँ पर क्या बोलूँगी, नो यू मे नॉट, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मे आई गो, अब ये क्वेश्चन हम कब बोलते हैं, ये क्वेश्चन हम तब बोलते हैं जब हमें क्लास के बाहर जाना होता है, या रूम के बाहर जाना होता है, या हमें घर के बाहर जाना होता है, तब हम ये परमिशन मांगते हैं, मे आई गो मैम, मे आई गो मम्मा, मे आई गो पापा, है ना। जो भी आपको, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप तब बोलेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा यस यू मे, अगर नहीं भेजना होगा तो आपको आंसर मिलेगा नो यू मे नॉट, ओके। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मे आई ड्रिंक, क्या है मे आई ड्रिंक, ये क्वेश्चन हम कब बोलते हैं, ये क्वेश्चन हम तब बोलते हैं जब हमें कोई चीज़ पीनी होती है, तब हम उसकी परमिशन मांगनी होती है, तब बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने दूध रखा हुआ है और अगर आपको पता नहीं है बेटा कि आपको दूध पीना है या नहीं पीना है, तो आप पूछोगे ना कि आप डायरेक्ट आएंगे, दूध उठाया आपने पी लिया, नहीं ना, क्यों, क्या पता उसमें चीनी नहीं हो, है ना, मम्मी ने शुगर नहीं डाली हो, तो फीका लगेगा ना आपको, इसलिए तो पीने से पहले आप परमिशन मांगेंगे ना। अगर आपको पानी पीना हो, पानी सामने रखा हुआ है, और क्या पता वो पानी किसी और के लिए हो, के लिए आपके लिए नहीं हो पानी, तो आप पानी पीने से पहले आप पूछेंगे ना, आप डायरेक्ट नहीं पी सकते। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम मे आई ड्रिंक, ओके। अगर आपको, आपके लिए है या आप पी सकते हैं, तो सामने वाला आपको परमिशन दे देंगे कि यस यू मे, और अगर नहीं देना होगा तो वहां पर बोलेंगे नो यू मे नॉट। इसी तरह हमारा फाइव क्वेश्चन है, मे आई सिट, ये होता है जब हमें कहीं बैठना होता है, तो हम बैठने के लिए परमिशन मांगते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। अगर आपको बैठाना होगा, अगर आपको परमिशन देनी होगी, तो इसके लिए भी आपको यस यू मे का आंसर मिलेगा, अगर नहीं आपको बैठने देना है तो आपको नो यू मे नॉट का आंसर
मिलेगा। ओके, तो आपने क्या समझा? मे आई सिट का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कहीं बैठना होता है या परमिशन चाहिए होती है कहीं बैठने के लिए, तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। ओके, अब इसी तरह हमारा 6 वाला है, मे आई ईट। अब ये हमें कब बोलना होता है? जब हमें कोई भी चीज़ खानी होती है तो हम खाने के लिए इस क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। अगर आपके सामने चॉकलेट रखी हुई है ना, या खाना लगा हुआ रखा है, या आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ रखी हुई है आपके सामने, और अगर आपका खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या पूछेंगे वहाँ पर? मे आई ईट, क्या मैं खा सकता हूँ? यही तो बोलेंगे ना। तो जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ खानी होती है तो वहाँ पर हम इस क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका भी आंसर वही मिलेगा, अगर देनी होगी या आपको खाना खाने की परमिशन देनी होगी कि आप खाने खा सकते हैं, तो यस का आंसर मिलेगा, और अगर नहीं खिलानी होगी आपको तो आपको नॉट का आंसर मिलेगा। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7, जिसमें दिया हुआ है मे आई यूज़ इट। अब इस क्वेश्चन का हम कब यूज़ करते हैं? इस क्वेश्चन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का यूज़ करना होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा 7 वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा 2 के जैसा है, थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना सेम है। हम दोनों का यूज़ एक समझ सकते हैं इसका। कैसे? जैसे कि 7 वाला क्वेश्चन है, मे आई यूज़ इट। अब आपके सामने क्या रखा हुआ है? मोबाइल रखा हुआ है। ओके, अब आपकी मैंने आपके लिए वीडियो भेजी है ना, और पापा ने कहा बेटा नहीं अभी मोबाइल को मत छूना, है ना, और पापा ने पता चला अपना काम कर लिया मोबाइल से, जो भी काम था पापा का, अब पापा ने रख दिया। तो अब आप क्या करेंगे? उसको मोबाइल को यूज़ करने के लिए पापा से परमिशन मांगेंगे ना, पापा मे आई यूज़ इट? तो वहाँ पे पापा क्या कहेंगे? यस यू मे। अगर पापा का काम नहीं हुआ होगा तो पापा आपसे क्या कहेंगे? नो यू मे नॉट, यही तो बोलेंगे ना। इसी तरह से आपको ये टॉपिक नंबर 3 समझना है। अब आपको मे का यूज़ करना आ गया है ना, कि मे का यूज़ कब और कहाँ करते हैं। तो चलिए अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और हाँ, आप जितना इन क्वेश्चंस को बोलेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आप इन क्वेश्चंस को मम्मी के साथ या अपनी सिस्टर के साथ या ब्रदर के साथ प्रैक्टिस करिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।